हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमर कुकिंग स्टूडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ स्पेशल सर्गी में खाए जाने वाली स्वीट डिश। ये बहुत ही खाने में टेस्टी और डिलीशियस बनती है। इसे बनाना और खाना दोनों शुभ माने जाते हैं। आइए आज की करवा चौथ स्पेशल स्वीट डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। ये करवा चौथ स्पेशल स्वीट डिश बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक पैन। पैन में हम ऐड करेंगे आधा लीटर फुल फैट मिल्क और दूध को हम अच्छे से बॉयल करेंगे। दो तीन मिनट लग जाएंगे। बस देखिए दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये फेनिया। जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी फेनियों की रेसिपी जो कि सर्गी में खाई जाती है मॉर्निंग टाइम। अब हम इन फेनियों को अच्छे से ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब फेनियाँ ली हैं। इसे हम गर्म दूध में ऐसे क्रश कर ऐड कर देंगे, तोड़ कर ऐड करेंगे और इसे ऐसे हम हल्के हाथों से ऐसे मिक्स कर देंगे। ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं। बस कम से कम हमें 4 से 5 मिनट ही लगते हैं। ऐसे हम इसे लगातार स्टर करेंगे और इसे और भी टेस्टी और बढ़िया बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे हम केसर। केसर के स्ट्रैंड्स को हम ऐसे गर्म दूध में ऐड कर देंगे। बस देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर। शुगर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अब हम इसमें केसर वाला वो दूध ऐड कर देंगे। इससे कलर तो अच्छा आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स आप इसे इस करवा चौथ पर इस तरह ट्राई ज़रूर करें। फेनियों को बहुत ही टेस्टी बनती हैं, टेक्स्चर देखिए आप। बस अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये ऑप्शनल है, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। रेडी हैं हमारी फेनियाँ करवा चौथ स्पेशल बनके। हमें बस इतना ही इन्हें कुक करना है। 5 मिनट लगे हैं मुझे। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये थिक हो जाएंगी, खाने में टेस्टी नहीं लगेंगी। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बाउल्स। बाउल्स में अब हम ऐड करेंगे हमारी करवा चौथ स्पेशल सर्गी में खाई जाने वाली ये फेनियों की रेसिपी। देखिए कितनी डिलीशियस टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स। इस करवा चौथ पर आप भी खाएं, अपने हस्बैंड को भी इसे खिलाएं और घर में ये सबको बहुत अच्छी लगेगी। ये केसर फ्लेवर वाली फेनियाँ ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। रेडी है हमारी करवा चौथ स्पेशल स्वीट डिश बनके। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।